हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू नरिश विद स्टाइल। आज हम बनाएंगे इडली, वो भी माइक्रोवेव में, और उसके साथ साथ डिलीशियस सा सांभर भी। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। अगर आपको इंस्टेंट बनाना हो तो आप सूजी की बना सकते हैं, और फर्मेंटेड बैटर रखा हो तो आप राइस की बना सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे 200 ग्राम अरहर की दाल। इसे मैंने पानी में भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। पानी में भिगोने से इसका कुकिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है। मैंने एक बड़ी लौकी ली थी जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। बड़े पीसेस में काटिएगा क्योंकि ये पूरी तरह से घुल जाएगी तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। और मैंने ली है 6 से 7 भिंडी, इसके साथ साथ 2 छोटी वाली अनियन और 1 टमाटर। आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है वेजिटेबल्स कंज्यूम करने का। के साथ साथ हम कुछ मसाले लेंगे। मैंने ली है 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने सिर्फ कलर के लिए डाला है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। नॉर्मल रेड चिली पाउडर नहीं डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी सांभर पाउडर में काफ़ी ज़्यादा मिर्चें होती हैं। और मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच नमक। 1 बड़ा चम्मच मैं डालूंगी सांभर पाउडर का। आप किसी भी ब्रांड का सांभर पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशली मद्रास का है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी का यूज़ करती हूँ। 1 टेबलस्पून करी लीव्स, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून क्यूमिन। कुछ लोग ज़ीरा प्रेफर नहीं करते सांभर में, लेकिन बहुत अच्छा लगता है इसलिए आई विल बी एडिंग इट, और ये बहुत हेल्दी भी होता है। इसके साथ साथ हम लेंगे 1/2 छोटा चम्मच हींग, 3 से 4 लाल सूखी मिर्चें। अगर आपके पास ये वाली मिर्च नहीं हो, गोल वाली, तो आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं जो नॉर्मली अवेलेबल होती है। तड़के के लिए आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं लूँगी 1 बड़ा चम्मच। और हम लेंगे इमली। इमली को मैंने ऐसे भिगो के रख दिया पानी में ताकि मैं इसका पल्प बना सकूँ। खट्टा आप जैसे खाते हैं उतना डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच इमली का पल्प। अब मैंने एक कुकर लिया है, इसके अंदर हम सारी सब्जियां डाल देंगे। भिंडी का हमें सिर्फ टॉप काटना है, बाकी पूरी भिंडी इसमें डालेंगे। अब इसमें अरहर की दाल डाल देते हैं जो हमने भिगो के रखी हुई थी आधे घंटे से। आप देख सकते हैं इसका साइज कितना इंक्रीज हो गया है भिगोने से। इसको आप कुकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टोमेटो भी कट करके इसके अंदर डाल लेते हैं। टोमेटो आपको रफली चॉप करके ही डालना है। अब इसमें पानी डालेंगे। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर पानी डाला है। नाउ वी विल ऐड सॉल्ट एंड हल्दी। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर विसल ले लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 विसल्स में ये दाल तैयार हो जाएगी। 7 विसल्स लेने के बाद कुकर ओपन करके एक बार देख लेते हैं। दालें और सब्जियां पूरी तरह से तैयार हैं। मैंने ऐसे लौकी का पीस कट करके भी देख लिया है, ये अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर इमली का पल्प ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। आपको खट्टा ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ी और इमली इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे ऑयल। अब इसमें डालेंगे राई, मस्टर्ड सीड्स, क्यूमिन, ज़ीरा और हींग। जैसे ये क्रैकल होने लगेगा तो हम इसके अंदर करी लीव्स और रेड चिली डाल देंगे। अब फ्लेम को लो करके हम इसके अंदर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सांभर पाउडर, और ये जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया था वो भी डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और ये जो तड़का हमने तैयार किया है हम डाल देंगे इसे दाल के अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और सांभर हमारा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इडली बनाने के लिए हम इडली का बैटर ले लेंगे, और ये माइक्रोवेव सेफ इडली मेकर है। अब हम इसके बेस में वाटर ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा ही पानी डालना है इसके अंदर। नाउ वी विल टेक, अब इडली के मोल्ड्स लेकर के उनके अंदर बैटर फिल कर लेते हैं। इडली के दोनों मोल्ड्स को अच्छे से फिल करके हम सेट कर देते हैं,
और ऊपर से इसकी लिड लगा देते हैं। अब हम माइक्रोवेव ऑन करके उसके अंदर रख देंगे इसको, और माइक्रोवेव बंद करके 3 से 4 मिनट्स के लिए इसे कुक होने के लिए रख देंगे। दैट डिपेंड्स ऑन योर माइक्रोवेव, आपको कितनी देर इसकी कुकिंग करनी है। 4 मिनट्स हो गए, इडली बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह इडली बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छी प्रिपेयर होती हैं। हम इसे खोल के देख लेते हैं। ये देखिए किस तरह से इसमें से स्टीम निकल रही है। डीमोल्ड भी ये बहुत ईजीली हो जाती हैं इसके अंदर से। देखिए कितनी फ्लफ़ी इडलीस तैयार हुई हैं। ये भी काफ़ी गर्म है, ये देखिए। अगर आपको ये इडली मेकर अच्छा लगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इसे परचेज कर सकते हैं उस लिंक से। बाकी की इडलीस भी इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी सांभर और इडली की रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। एंड आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा विद बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।